ये AUO का 390 पैनल है, जिसमें हमारी दो काफ़े ख़राब हैं और इसका RTO क्लीन हो चुका है दोनों साइड से। अब हम इसमें नई कॉफ लगाओगी? अच्छा, अपना काम करो। ये कॉफ क्लीनिंग हो रही है पहले। ये देखिए, इसमें ACF लगाया गया है ताकि जो इसमें लगा हुआ ग्लू है वो छूट जाए, क्योंकि ओल्ड कॉफ है। ओल्ड कॉफ मैं लगा रहा हूँ इसमें, ACF लगा के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया गया है। ACF है ये, अब इसकी क्लीनिंग होगी। ये देखिए, माइक्रोस्कोप से इसमें दिख रहा है कि कहाँ कहाँ हमारी डस्ट पड़ी हुई है। इन ट्रैकों को बहुत कायदे से ही क्लीन करना पड़ता है। कॉफ नई कॉफ को हम काटने जा रहे हैं। नई कॉफ ये क्लीन हो रही है। नई कॉफ में हम लोग ACF का यूज़ नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही एसीटोन से क्लीन कर लेते हैं। नई कॉफ भी ख़राब है। दूसरी नई कॉफ को क्लीन हो रही है। को क्लीन करने के बाद हम लोग इस टेप का यूज करते हैं। ये ACF टेप है हमारा, जैसे इस टाइप से इस टेप को इन ट्रैकों के ऊपर लगा लिया गया है। ये क्लीन हो करके टेप लगाया गया है। इस तरीके से हम लोग क्लीनिंग करने के बाद, टेप लगाने के बाद, इसको कायदे से टी आयरन कर लेते हैं ये हीट करके, ताकि जो टेप है वो टेप उसमें ही चपक जाए, कॉफ में ही चपक जाए और जो ऊपर का पेपर लगा हुआ है ये बाहर आ जाए। इस तरीके से टी आयरन करके हम लोग इसको चिपका लेते हैं।
बॉन्डिंग मशीन पे ले जाएंगे। अब इसमें आरटीओ का अलाइनमेंट करेंगे जहां पर मुझे कॉप बॉन्ड करनी है। ये हमको दोनों साइड के सिंबल नज़र आ रहे हैं कैमरे में ग्लास के। अब हम कॉफ का अलाइनमेंट करेंगे। ये देखिए मैंने सिंबल से मिला लिया इसको। ये गोला कॉफ का बना हुआ है और ये ग्लास का है। इससे मैंने इधर से पहला ट्रैक और उधर से पहला ट्रैक दोनों का अलाइनमेंट सही तरीके से कर लिया है। अब हम एक बार ये आरटीओ को और क्लीन करेंगे ताकि उस पर कहीं पे डस्ट ना रह जाए। और ये मैंने टेप निकाला कि हेड हमारा नीचे आ चुका है, कॉफ और ग्लास को प्रेशर आ चुका है। ये यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिया हुआ है, टेम्परेचर आ गया है। टेम्परेचर और वेट ये फाइनल बॉन्डिंग हम इसी तरीके से पीसीबी पेपर पर भी ये कॉफ आईसी को जोड़ लेंगे। फाइनल बॉन्डिंग ये हमारी पीसीबी से भी कॉफ जुड़ जाएगी।
से बॉन्डिंग हो चुका है हमारा पिछली साइड पर भी। इसी तरीके से हम दूसरी कॉप भी लगाएंगे। इसी तरह से मैंने इसमें दूसरा कॉप भी इंस्टॉल कर लिया है, अभी हो गया है और हम टेस्टिंग डिटेक्ट करेंगे इसको। मैंने जब इसको चेक किया तो इसमें जो है पिक्चर हमारा बहुत ही कम पिक्चर बन रही है। ये देखिए, सिर्फ इतने में हमारी पिक्चर आ रही है, बाकी पूरा क्रिस्टल अभी डेड पड़ा हुआ है। अब मुझे इसको सही करने में अपनी लेज़र मशीन का सहायता लेना पड़ेगा। अब मैं इसको लेज़र पर ले जाता हूँ और फॉल्ट ढूंढता हूँ मैं कहाँ पर है। ये देखिए, मैं इस पैनल को लेज़र पर ले आया हूँ और 20x जूमिंग पर हमारा पड़ा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। ये देखिए, ये हमारा अंदर से ड्राइव सर्किट जो है डैमेज हो चुका है ग्लास के अंदर से। ये यहाँ पर देखिए, मॉइस्चर की वजह से ये ड्राइव सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ही कम पिक्चर बन रही है। ये देखिए, अभी मैं इसको भी सही करूँगा। मैं आपको ये देखिए, मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ। ये ट्रैक के बीच में मॉइस्चर आने की वजह से ये ड्राई सोल्ड हो चुका है और यहाँ पर देखिए, ये हमारा सर्किट भी डैमेज हो चुका है, ये गल चुका है यहाँ पे। अभी हम इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, ये एक दूसरे में ये ट्रैक जुड़ चुके हैं। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है और ये वोल्टेज जो है ये यहाँ से इस पे जाने लगी है और ये मैं देखता हूँ इसमें उसका। देखिए, ये हमारी पिक्चर आना स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी भी इसमें स्कैनिंग बार्स बन के आ रहे हैं। अभी मैंने इसका ड्राइव सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं ड्राइव सर्किट इसका जब कंप्लीट कर लूँगा तो ये बार्स वगैरह भी सही चले जाएंगे। ये देखिए हमारा पैनल जो है ये पूरी तरीके से ओके हो चुका है। यहाँ पे ड्राइव सर्किट काफ़ी खराब डैमेज हो गया था, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ लाइंस रह गई हैं, वो काफ़ी डैमेज है, वो सही हो नहीं रहा है लेजर से में। बाकी पैनल हमारा पूर्ण रूप से चालू हो गया है।